नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल माइक एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा सैमसंग रेफ्रिजरेटर जो कि 253 लीटर 3 स्टार रेफ्रिजरेटर है, कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा, अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, साथ ही इसका रिव्यू बताऊंगा, इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस सैमसंग 253 लीटर 3 स्टार कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो इसका बॉक्स है ये दिखता है, तो कुछ इस तरह से आपका जो ये है रेफ्रिजरेटर का बॉक्स देखने को मिलेगा फ्रंट साइड से। ये साइड से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको रेफ्रिजरेटर का जो बॉक्स है वो साइड से देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ रेफ्रिजरेटर कैसा दिखता है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इसी के ऊपर आपको फ्रिज देखने को मिलेगा जो कि मैंने साइड में निकाल दिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें बॉक्स के अंदर आपको बहुत सारे थर्मोकोल्स देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे थर्मोकोल आएंगे जो इसकी बॉडी को जो काफ़ी सेफ बनाएंगे, डेंट प्रूफ रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये सारे थर्मोकोल आपको इस बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं बॉक्स कुछ इस तरह से दिखेगा, जो मैंने इसको ओपन कर लिया है आप देख सकते हैं प्लास्टिक से कवर रहेगा, तो मैं ये प्लास्टिक निकाल लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है। तो प्लास्टिक निकाल लेते हैं इसका, तो आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक निकाल लिया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सैमसंग का ब्रांडिंग, पावर सेविंग गाइड दिया है, ये 3 स्टार रेफ्रिजरेटर है। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमशन की बात करें तो आप देख सकते हैं 195 यूनिट कंज्यूम करेगा पर ईयर। तो आप देख सकते हैं ये जो है वो 253 लीटर का जो रेफ्रिजरेटर है। आगे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कन्वर्टेबल फ्रीज़र लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं इसको जो फ्रीज को आप 3 मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 कन्वर्टर कैसा किस तरह से काम करेगा उसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर और नीचे जाएँगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का जो जिक्र किया गया है, जो कि इसमें डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया उसके बारे में बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्टेबल फ्रीज़र के बारे में बताया गया है, तो कुछ इस तरह से इसका जो फ्रंट साइड है आप देखें कुछ इस तरह से इसका जो फ्रंट साइड है वो दिखेगा। आगे इसकी साइड है वो एकदम क्लियर है, इसके साइड में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो आप देख सकते हैं एकदम क्लियर है। बैक साइड की बात करो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेबलाइज़र का जो दिया गया है, जो कि इनबिल्ट स्टेबलाइज़र आता है, तो यहाँ पे ये स्टेबलाइज़र का पूरा जो इसका इनका मॉड्यूल है यहाँ पे है। तो आप देखते हैं बैक साइड का जो बॉडी है कुछ इस तरह से दिखेगा, सब कुछ कवर है। यहाँ पे इसका जो कंप्रेसर है ये ओपन है, ये आप देख सकते हैं ये जो ट्रे है वो वाटर ड्रेनेज का जो ट्रे है यहाँ पे पीछे दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका जो बैक दिखता है। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं, जैसे अगर आप परचेस करते हैं तो आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी देखने को मिलेगा जो कि बॉक्स पे मेंशन रहेगा, तो आप ओपन बॉक्स करके आपके जो फ्लिपकार्ट के जो सेलर या फिर अमेज़ोन के जो भी सेलर हैं वो आपको रेफ्रिजरेटर एक बार खोल के दिखा देंगे। आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि आपका जो बॉडी है रेफ्रिजरेटर का उसमें कोई डेंट तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है, तो आप एक बार बॉडी ज़रूर से देख लीजिएगा जिससे आपको पता चल जाएगा आपका जो फ्रिज में कोई भी बॉडी का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डेंट नहीं है, वो आप इंश्योर ज़रूर से कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप अपना जो OTP है उनको बता दीजिए और आपका जो डिलीवरी है वो कंफर्म हो जाएगा और डिलीवर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई भी डैमेज है, कोई भी डेंट है बॉडी पे, तो आप OTP ना दीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपने OTP दे दिया और डिलीवर्ड हो गया तो उसके बाद आप इसको डैमेज और डेंट के लिए रिप्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे। मैन्युफैक्चर डिफेक्ट के लिए रिप्लेसमेंट होगा लेकिन डेंट और डेंट के लिए कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होगा। वो आपको अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको मेल में मैसेज में भी आ जाएगा, तो देख सकते हैं इतनी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। अब इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर इसमें लिखा गया है कन्वर्टेबल फ्रीज़र, तो ये जो मूवेबल आइस मेकर है
ये यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलेगा, पैक रहेगा। ये मैं रेफ्रिजरेटर को 3-4 दिन यूज़ किया है, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ बेहतरीन जानकारी आपको दे सकूँ। ये जो आइस मेकर है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मूवेबल है, आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे एयर सर्कुलेशन का है, आप देख सकते हैं यहाँ से मूवेबल आइस मेकर है। साथ ही ये जैसे ही अगर आप इसमें आइस के लिए पानी भर देते हैं तो इसको जैसे आप ट्विस्ट करेंगे तो आपका जो बर्फ़ है वो कुछ इस तरह से इसमें ट्रे के अंदर गिर जाएगा। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से ट्रे के अंदर गिर जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप फ्रीज़र के लिए कुछ रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीज़र का कोई बॉटल वगैरह रख सकते हैं। ये जो कंपार्टमेंट है थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत काफ़ी छोटा है, तो आप अपने हिसाब से फ्रीज़र के अंदर जो भी रखना चाहते हैं आप इसमें रख सकते हैं। डोर ओपन करते हैं, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ फ्रिज के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं फ्रेश रूम का कंपार्टमेंट मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप फ्रेश आइटम रख सकते हैं, जैसे मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, ऐसे बहुत सारी जो भी आइटम आती है आप यहाँ पर फ्रेश रूम में रख सकते हैं। साथ ही इसमें भी आप देख सकते हैं आपको एयर वेंट दिए गए हैं उधर पीछे, तो यहाँ से फ्रेशनेस उसकी बनी रहेगी। आपको खाली इतना ध्यान देना है क्योंकि इसका एयर जो सर्कुलेशन है वो कवर ना होने पाए। अब जैसे ये जो एयर सर्कुलेशन है ये कवर ना होने पाए, तो अगर ये कवर होगा तो आपका जो कूलिंग है उसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपका कूलिंग कम होगा। तो सभी जगह आप देख सकते हैं दिया गया है जिससे आप उसको कवर ना रखें। इसमें बताया गया है कि इस फ्रिज में अप टू 70% ही लोड रखे, 100% फुली लोड ना कर दे रेफ्रिजरेटर को, नहीं तो आपका जो एयर सर्कुलेशन है वो बंद हो जाएगा और आपका जो फ्रिज है वो कूलिंग का इफ़ेक्ट कम आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको फ्रेश रूम बता दिया है। यहाँ पे आप जैसे LED लाइट लगी हुई है तो ये भी मैं आपको चालू करके दिखाऊँगा। बातें यहाँ पर ये जो कंपार्टमेंट है इजी स्लाइड है, तो यहाँ पे आप कुछ भी रख के ईजी स्लाइड कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है, परफेक्ट है। उसके बाद का जो नीचे का कंपार्टमेंट है आप इसमें कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर डिओडोराइज फिल्टर लगा हुआ है। आप अगर परचेस करेंगे तो हर जगह पे कुछ इस टाइप का जो स्टिकर लगा हुआ है वो लगा रहेगा, तो उन सभी स्टिकर को आपको एक बार निकाल लेना होगा। अब आते हैं बॉक्स की तरफ, जो कि है आपका वेजिटेबल बॉक्स। आप देख सकते हैं इसमें आपका जो वेजिटेबल है वो स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है इसके अंदर। इसको यूज़ किया गया इसलिए थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा आपको। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका जो बॉक्स दिखता है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा बॉक्स है। अब यहाँ पर आते हैं साइड में, तो आप देख सकते हैं ये है टॉल बॉटल, बड़े बॉटल के लिए जो कि आपका 1.5 लीटर 2 लीटर का जो बॉटल है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पे आगे आपको देखने को मिला एक ट्रे, आप यहाँ पे एक रख सकते हैं जो कि काफ़ी सही ऑप्शन है। 16 एग रख सकते हैं, 8+8। और साथ ही आपको नीचे कंपार्टमेंट जो मिलेगा वो छोटे छोटे, जो अगर आपकी बॉटल है तो छोटे बॉटल आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके मॉडल नंबर के बारे में बताया गया है, साथ ही सैमसंग गियर का नंबर दिया गया है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये जो रेफ्रिजरेटर है वो दिखेगा। अब इसको मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो रेफ्रिजरेटर है वो स्टार्ट कर दिया है, मैंने पावर दे दिया है। आप देख सकते हैं मैंने पावर दे दिया है और चालू भी कर दिया है। तो जब तक ये स्टार्ट होता है, जब तक ये चलता है थोड़ी देर, तब तक मैं आपको इसके अंदर जो बुक्स वगैरह मिले हैं, जो जानकारी बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। साथ ही दूसरे ऑप्शन पे आपको दिया है सेफ्टी सुरक्षा के लिए, आप इसकी सेफ्टी कैसे रख सकते हैं। आगे तीसरा जो है आप देख सकते हैं टेम्परेचर सेटिंग के लिए है, जो कि मैंने आपको बताया था वो मैं आपको करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पे अब जैसे मॉडल 1 मॉडल 2 मॉडल 3, ये जो रेफ्रिजरेटर है वो मॉडल 3 ऑप्शन का है। तो यहाँ पे अब जैसे 3 मॉडल का जो भी है, अगर आपका अलग कोई रेफ्रिजरेटर है तो उस हिसाब से आप अपने मॉडल को देख लीजिए।
तो यहाँ पे बताया गया है कि गर्मी में कैसा कितना रखना है, मानसून में कितना रखना है, विंटर में कितना रखना है, तो इस हिसाब से आप इसका जो टेम्परेचर है वो सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चौथे ऑप्शन पे बताया गया है वो है कस्टमर यूजेज इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आप बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बताया गया कि बॉडी का जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर का जो बॉडी है ऊपर का, उसको किसी तरह से कवर ना करें, जो मैंने आपको बताया था ना कि लोडेड नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टू 70% ही लोड रखे, फुल्ली लोड ना रखे कुछ इस तरह से। साथ ही फ्रेशनेस के लिए, वेजिटेबल फ्रेशनेस के लिए आप नेट का यूज़ करें, प्लास्टिक का यूज़ ना करें। इसके बाद डोर को ओपन करके ज़्यादा समय ना रखे, कूलिंग में इफ़ेक्ट करेगा। साथ ही इसमें गर्म कोई भी हॉट फूड इसमें ना रखे। इसका जो एयर वेंट्स है आप देख सकते हैं, इसका जो एयर वेंट्स है उसको कवर ना करें, जो कि आपको कूलिंग को इफ़ेक्ट करेगा। साथ ही इसमें अगर किसी टाइप की आवाज़ आती है तो उसके बारे में बताया गया क्या है, वो नॉर्मल है या नहीं है। आगे इसका जो क्लीनिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो आपको कुछ किस तरह से क्लीन करना है उसके बारे में। सबसे पहले क्लीन करने के लिए आप प्लग को निकाल लीजिए बोर्ड से, उसके बाद फिर वेट वेट फैब्रिक से आप क्लीन सकते हैं। कोई भी टाइप का केमिकल या कुछ भी यूज़ ना करें, जो कि आपको फ्रिज का जो पेंट है उसको रिमूव कर सकता है। तो आप देख सकते हैं इसका जो यूज़र मैनुअल है कुछ इस तरह से दिखेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में। अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो फ्रिज है वो तकरीबन 1 घंटा हो गया है चलते हुए। इसमें बताया गया है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चालू करते हैं तो इसको मिनिमम 4 घंटा और रखिए, उसके बाद जो कूलिंग इफेक्ट है आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जब फर्स्ट टाइम इसको जब चालू किया था, तो इसका जो इस साइड का, दोनों साइड का जो बॉडी है वो थोड़ा हॉट हो रहा था, हीट हो रहा था, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ये नॉर्मल है। जो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, अगर आप मोबाइल भी लेते हैं तो भी फर्स्ट टाइम आप चार्जिंग में लगाते हैं तो उसको हॉट होता है थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये वीडियो में आप देख सकते हैं ये ब्लिंकिंग दिखा रहा है, पता नहीं कि ब्लिंक दिखा रहा है, लेकिन ओरिजिनली ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। फ्रंट कैमरा चालू करके देखता हूँ, फ्रंट कैमरा में भी ब्लिंकिंग दिखा रहा है। इस ये मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो मोबाइल फ़ोन से कर रहा हूँ, शायद इसके लिए हो सकता है, तो ये ब्लिंकिंग दिखा रहा है। तो वापस मैं बैक कैमरा कर लेता हूँ। तो मैंने ये बैक कैमरा कर लिया है, तो आपको सबसे पहले बता देता हूँ इसका कन्वर्टेबल फ्रीज़र के बारे में, क्या कैसे काम कर सकता है। इसमें सबसे नॉर्मली जो है वो आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे -15 डिग्री सेट करके रखा है। जितने ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा कूलिंग मिलेगा आपको फ्रीज़र में, और यहाँ पे आप जितने ऊपर जाएंगे उतना आपको कूलिंग मिलेगा फ्रिज के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीज़र के लिए, यह फ्रीज़र के लिए है, ये फ्रीज़र फ्रिज के लिए है, और ये फ्रिज के लिए है। तो यहाँ पे आप तीनों ऑप्शन सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पे बटन दिया गया है, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो अब जैसे ये फ्रीज़र का जो ये है वो स्टार्ट हो गया है। तो उसके बाद आप इसका जो फ्रीज़र का जो टेम्परेचर है -23 डिग्री तक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जस्ट टैप करना रहेगा, जैसे -17, -19, -21, -23। तो ये -23 डिग्री तक आपको जो फ्रीज़र है वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप उतना ज़्यादा कूलिंग आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी बात करते हैं फ्रीज़र प्लस फ्रिज के बारे में। तो उसके लिए आपको इसके बटन को टैप करके रखना पड़ेगा 3 सेकंड तक। अब देखते हैं फ्रीज़र प्लस फ्रिज चालू हो गया है, तो यहाँ पे आप इसका भी सेट कर सकते हैं। इस सेट करने के लिए आपको यहाँ पे फ्रिज का जो है वहाँ बटन को प्रेस करना पड़ेगा। 7 सेल्सियस, 5 सेल्सियस, 3 सेल्सियस,
2-1 कुछ इस तरह से। आप जितना ऊपर जाएंगे उतना कूलिंग बढ़ता जाएगा आपका। तो ये फ्रीज़र प्लस फ्रिज कन्वर्ट हो जाएगा आपका जो उस कुछ इस तरह से। साथ ही खाली अगर आप खाली फ्रिज चलते हैं तो उसके लिए आपको इस बटन को प्रेस कर रखना पड़ेगा 3 सेकंड तक। तो आप देख सकते हैं ये खाली फ्रिज चालू हो गया है पावर कूल। तो इसका भी आप जो टेम्परेचर हो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं एक बार इसको ओपन करके दिखाता हूँ चालू में। हल्का सा एयर आ रहा है उसका जो मोबाइल में का, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इसमें एक जो कॉन्स है सब कुछ बढ़िया है, एक जो कॉन्स है यहाँ पे कोई भी लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं एक बार पावर बंद करके लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर आप लाइट अंधेरे में है तो यहाँ पे कोई भी लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगा मोबाइल फ्रीज़र के अंदर। लेकिन आपको ये चीज़ फ्रिज के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक LED लाइट जो है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको फ्रीज़र के अंदर कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइट ब्लिंकिंग हो रही थी, मेरा जो लाइट बंद करने के बाद ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे अंदर छोटा सा स्पीकर भी दिया गया है जो कि आपको नॉर्मली साउंड सुनाई देगा। साथ ही इसमें ये भी एक फीचर है, अगर आप डोर को ज़्यादा ओपन करके रख सकते हैं तो इसमें एक अलार्म दिया गया, अलार्म बजने लगता है, जिसका मतलब कि आपको डोर है वो काफ़ी देर से खुला है उसको आपको बंद करना पड़ेगा। अराउंड 1 मिनट से भी ज़्यादा अगर आपका जो डोर खुला रह जाता है तो ये जो अलार्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। प्रेस रूम का जो एरिया मैंने बता ही दिया है, LED लाइट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से चल रही है। तो आप देख सकते हैं सब कुछ है इस तरह से सेट रहेगा इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कि है सैमसंग का रेफ्रिजरेटर। तो आप देख सकते कुछ इस तरह से जो है ये रेफ्रिजरेटर दिखता है। आप देख सकते हैं अलार्म चालू हो गया है, टिन 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 टिन। तो कुछ इस तरह से आप देखते हैं 1 मिनट से भी ज़्यादा ओपन रह गया है ये डोर, तो इसका अलार्म चालू हो गया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप जान गए होंगे इस रेफ्रिजरेटर के बारे में जो कि है सैमसंग का रेफ्रिजरेटर 253 लीटर 3 स्टार कन्वर्टेबल फ्रिज। को वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए जिससे आपको मिल पाए नोटिफिकेशन सबसे पहले जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ इस चैनल पे। साथ ही अगर आप यही फ्रिज लेना चाहते हैं, यही भी रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाके आप इस डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला जो कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, तो दोनों पे आप जाके परचेस कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो इस रेफ्रिजरेटर के बारे में या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर से उसका जवाब दूंगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।